पेपर लीक को बिहार में रोकने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और आज बिहार विधानमंडल के अंदर विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित हो गया है। देखिए, बिहार सरकार ने साफ कर दिया है कि पेपर लीक करने वाले को बख्शेंगे नहीं, यानी जो एग्जामिनेशन माफिया बैठे हैं बिहार में, जो पेपर लीक कराते हैं परीक्षाओं का, अब उनको कोई राहत नहीं मिलने वाली है, अब उनकी खैर नहीं है। अगर पेपर लीक कराने वाला कोई व्यक्ति ऐसा मंसूबा रखता है तो वो सावधान हो जाए, क्योंकि बिहार सरकार ने बिल पारित कर दिया है विधानसभा के अंदर। देखिए, कठोर प्रावधान किए गए हैं, सजा के साथ ही साथ अर्थ दंड के भी कड़े प्रावधान है। आपको मालूम है बिहार में कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, नीट जैसे परीक्षा का पेपर लीक हुआ तो बिहार में कार्रवाई हुई। खैर, अब तो सवाल ये उठेंगे कि अब बिहार की पुलिस कितनी तत्परता से काम करेगी। लेकिन विधानसभा के अंदर सरकार ने जो जवाब दिया है, सरकार ने जो कुछ भी बातें कही है पेपर लीक पर बने कानून को लेकर, बिहार लोक परीक्षा विधेयक को लेकर, जरा सुनिए विजय सिन्हा सब कुछ बता रहे। ये पहली दफा इस तरह के कृत्यों को अपराध की श्रेणी में डाल के अलग अलग ढंग से उनको सख्त से सख्त सजा देने का प्रावधान इसमें किया गया है महोदय। और इसमें जो अनुचित साधन जिसको अनफेयर मीन्स कहते हैं उसको भी परिभाषित किया गया है और उसकी सूची महोदय बहुत लंबी है और उसमें हम समझते हैं सभी माननीय सदस्य सजग हैं। जो बिल की कॉपी दी गई है उसमें उसका उसकी अनुसूची शामिल है कि ये कौन कौन से कृत्य जो अनुचित साधन माने जाएंगे, अनफेयर मीन्स माने जाएंगे। और महोदय, इसमें अनेक तरह की जो अपराध हैं उसमें अनेक तरह की श्रेणियां भी हैं कि गड़बड़ी करने वालों की भी लगभग 3-4 श्रेणी मानी गई है कि एक तो जो व्यक्ति या व्यक्ति समूह अपने स्तर से कोई गड़बड़ी करता है तो वैसी हालत में उनको 3 से 5 वर्ष तक की सजा है और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है महोदय। तो ये जहाँ पहले बहुत कम था और उसका प्रभावी क्रियान्वयन भी नहीं हो रहा था, इस बार हम लोगों ने सख्त कानून बनाया है और इसे पूरी मुस्तैदी से लागू करने का सरकार प्रयास करना चाहती है जिससे कि इस तरह का ये कुकृत्य नहीं हो, क्योंकि इससे मेधावी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। जो सही ईमानदार छात्र होते हैं, मेहनत करके पढ़ते हैं, उनके साथ ना इंसाफी होती है, उसको रोकने के लिए ये सख्त कानून महोदय बनाया गया है। इसी तरीके से जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, सेवा प्रदाता होते हैं, यानी कोई अगर नियुक्ति के लिए या नामांकन के लिए हम लोग कोई एजेंसी हायर करते हैं, किन्हीं की सेवा लेते हैं, तो वैसे सेवा प्रदाता के द्वारा अगर कोई महोदय गड़बड़ी की जाती है तो उसमें और अधिक सख्त कानून बनाया गया है और उनको 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माना का प्रावधान किया गया है महोदय। ये और हमें पूरी उम्मीद है कि इस कानून के आने के बाद इसकी सख्ती देखकर शायद ही कोई सेवा प्रदाता इस तरह की गड़बड़ी करने की हिम्मत करेगा और इसमें अगर वो पकड़ा जाता है तो 4 वर्षों के लिए उसे डिबार करके सरकार में कोई दूसरा काम नहीं देने का भी प्रावधान किया गया है महोदय। और इससे भी अधिक कि अगर कोई सेवा प्रदाता है उसके जो हाई पोजीशन मतलब ऑफिस बेयरर्स हैं, मतलब डायरेक्टर हैं, ओनर हैं, इस तरह के लोग अगर हैं तो उनके मामले में और भी ज़्यादा सजा है और भी ज़्यादा महोदय जुड़वाना है। और इसके अलावा भी महोदय कि अगर कोई संगठित ढंग से कि ये चाहे एजेंसी वालों को विश्वास में लेके हो, उनके जो पदाधिकारी हैं या उनके जो प्रमोटर्स हैं उनके द्वारा हो, अगर संगठित किस्म के वो अपराध करते हैं तो समझिए उनमें तो 5 वर्ष से 10 वर्ष तक की सजा है
और 1 करोड़ रुपए के जुर्माना की बात है। और अगर उनके पदाधिकारी गड़बड़ करते हैं तो कम से कम 1 करोड़ रुपया है। और इसके अलावा उस एजेंसी के प्रॉपर्टी को या उसके संपत्ति को जब्त करके समपहरण मतलब सीजर फॉर फीचर का भी प्रोविजन किया गया है कि उनकी सारी संपत्ति जब्त भी कर ली जाएगी महोदय। और इसको और अच्छा, क्योंकि इसकी जांच या इसका अनुसंधान इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर ढंग से हो, इसलिए इसमें ये भी प्रावधान है कि इसका जो आईओ होगा, अनुसंधान पदाधिकारी जो होगा, वो न्यूनतम डीएसपी स्तर का अधिकारी होगा, सामान्य एसआई इसकी जांच नहीं करेंगे महोदय। तो परीक्षा माफियाओं की अब बिहार में भी खैर नहीं, बिहार में विधेयक पारित हो चुका है। देखिए, बिहार लोक परीक्षा विधेयक पारित किया गया है और आपको मालूम है बिहार में पेपर लीक को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जिस तरीके से प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, बिहार की सरकार के कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए। खासतौर पर बिहार की सरकार की खूब किरकिरी देश भर में हुई जब नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ, लेकिन अब सरकार ने साफ कहा है कि परीक्षा माफियाओं को तो छोड़ेंगे नहीं। सजा का प्रावधान 5 साल से लेकर 10 साल तक है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।